सावड्ड्या मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्राचे होम मिनिस्टर अमित शाह तशेच गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेच खासदार विनय तेंडुलकर सदानंद शेख तनावडे तशेच सतीश धोण आणि तशेच सावड्डे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार गणेश गावकर हांच्यानी घरोघरी केलो प्रचार. पार्टीचो मॅनिफेस्टो वाटून अमित शान केलो आनंदवाडी हांगा घरोघरान प्रचार. अमित शाह म्हणटा कमळाचेर बटन दामून गणेश गांवकाराक जैतिवंत करपाचो. काँग्रेस सरकार गोंयांत सत्तेर आशिल्लो तेन्ना कांयच करूंक पावलो ना, पूण जेन्ना सेंट्रलाक बीजेपी आयली आनी गोंयांकय भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आशिल्लो तेन्ना मनोहरभाई पर्रीकाराच्या नेतृत्वाखाली आनी प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाली खुबशी डॅवलॉपमेंट वर्क गोंयांक घडोवन हाडिल्ली आसा अशें ते उलयले. आतां ते वेंचणुकेक परत एकदां गोंयांक भाविसाच्या प्लस येवन भारतीय जनता पार्टी आपलो सरकार घडयतली आनी सगळी डॅवलॉपमेंट वर्क चालीक लायतली अशें ते उलयले. प्रचारा नंतर शारदा इंग्लीश हायस्कुलांक तांच्यांनी मिटींग घेतली, कार्यकर्त्यां कडेन संपर्क सादलो. पळयत रावात गोवन अपडेट. श्री अमित शहाजी, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, श्री सदानंद तानावडे सर, श्री विनय तेंडुलकर, श्री गणेश भाऊ गांवकर, श्री पहिली सुवातेर हांव आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मना गृहमंत्र्याचो ह्या सावड्डे मतदारसंघात 100 दीस जावचे पयली 2 फावटी पांय लागला. तुमकां लक्षात येतले की 14 नोव्हेंबराक माननीय मंत्र्यांनी धारबांदोडे हांगा नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटीचो भुमीपूजन सोहळा पार पडलेलो. मुद्दाम करून हांव सांगतां, तुमकां काल एक व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून सांगता की नॅशनल फॉरेन्सीक कॉलेज येना गोंयात, धारबांदोड्या नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीस युनिव्हर्सिटी आसा आणि ही युनिव्हर्सिटी जी आसा ती युनिव्हर्सिटी डायरेक्टली अंडर होम मिनिस्ट्री येता आणि युनिव्हर्सिटी येवपा फाटल्यान जर सगळ्यात जास्त जर श्रेयस जाय जाल्यार ते आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे प्रमोद सावंत. मायनींग ह्या वाठारांतले बंद जाला ते म्हाका दिसता की 1 वर्स भितर चालू जातले. आज हांव पेपराचे वाचतालो की मुख्यमंत्र्यांनी आमचे स्टेटमेंट केलं असा की ऑलरेडी प्रोसेस चालू झाला म्हणून. त्याच्या नंतरचा जो दुसरो पॉईंट असतो तो अनएम्प्लॉयमेंट, जे पण सगळे शिकलेले भुरगे असा त्यांचं अनएम्प्लॉयमेंट काबार करपा लागून आम्ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी प्रोजेक्ट्स या मतदारसंघात हाडटले. की जे शिक्षणीक हब करपाची आम्ही तयारी असं धारबांदोड्या त्याचा पहिला मान सावड्डे मतदारसंघाच्या लोकांना मिळाला असा. ज्या दिसा पहिला पाय आमच्या गृहमंत्र्याचा धारबांदोड लागलो त्या दिसा संपूर्ण जगात धारबांदोडे हे नाव खबर झाली. त्याच्या पहिली कोणाक खबर झाले की धारबांदोडा सावड्डे असं म्हणून. वंदे मोदी जी आप आगे बढो, वंदे. की गेल्या 50 वर्सांक जो विकास सांगला असलो तितक्या मोठ्या प्रमाणात विकास आम्ही ह्या मतदारसंघात असतलो किंवा पुराय गोयात पळला असतलो. ह्या मतदारसंघात माझेर आरोप बरेच जातात म्हाका खबर असा आणि आरोप करपी कोण असा तेही खबर असा. स्वतःचे कमीपणा लिपोवपा खातीर दुसऱ्याचेर आरोप करप खूप सोपं असता, बट एक दाखयता असताना 4 बोटां आपल्याकडे येतात ती पळया म्हणून सांगा. म्हाका दिसता निश्चितरित्या आमच्या हांगासल्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता. सरपंच असतले, पंच असतले, बरेच जण माझ्या समोर बसल्यात ते तत्पर असतात आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे ह्या मतदारसंघात जर विकास करपाक कोण घेऊन शकले असतात जाल्यार पंच सरपंच जे तळमळीत काम करताले त्यांचे हांव अभिनंदन करता, त्यांच्या खऱ्या पद्धतीचे अभिनंदन करता. प्रत्येक ग्रामपंचायतीतलो प्रत्येक प्रोजेक्ट हो त्यांच्यानी करून घेतलेलो असा. कोण फक्त बेश्टे व्हरोन दिवपा खातीर मातशे आसत, पण खऱ्या अर्थात त्यांच्यानी फॉलोअप करून घेतला. त्या खातीर कोण कितें सांगता तेजेर वचू नकाच, कोण कितें करता तेजेर वचू नकाच. हांगा सरकार फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीचेच येतले आणि त्याच्या खातीर विजनरी लिडर बाप गणेश बाप गावकर हांच्या सारखे नेते जाय. निश्चितच
2022 परत एकदा 22 सीट घेऊन आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांगा निवडून हाडटले हे सांगपा खातीर हांव माननीय अमित भाईक सांगता की आमचे मिशन आसा 2022+ आणि तितून सावर्ड्यातले कमळ हे फुलतले म्हणजे फुलतले इतकेच सांगता आणि माझी दोन उतरां पुराय करता देव बरे 2022 का गोवा का चुनाव गोवा वासियों के निर्णय के लिए बहुत मायने रखता है। गोवा एक शांत प्रदेश है। गोवा 10 साल से धीरे धीरे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और विकास की कई ऊंचाइयों को गोवा ने छुआ है। अब जरूरत है गोवा के हर गांव के अंदर समृद्धि पहुंचाने की। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के स्थिरता युक्त शासन में 7.5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन सरकार पहले मनोहर पर्रिकर जी ने चलाई फिर प्रमोद जी ने चलाई। इसने गोवा के अंदर विकास के ढेर सारे काम समाप्त किए। अब आगे गोवा को एक समृद्ध सुंदर और सलामत प्रदेश बनाने की जरूरत है। 2022 का चुनाव इसका चुनाव। मैं आज गोवा के मतदाताओं के सामने आया हूं तब मैं पूछना चाहता हूं कि कोई दिल्ली से आकर कोई कलकत्ते से आकर गोवा का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए तो भाई, कर सकता है क्या? कोई कुछ वादे कर रहा है, कुछ कुछ बांट रहा है, उनको भी मालूम है ना वोट मिलने हैं, ना एमएलए आना है, ना सरकार बननी है। वचनेम क्यों किम दरिद्रता, वचन देने में काहे को कंजूसी करना, भी करना नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसके आधार पर मैं आज राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहता हूं। गोवा ने कांग्रेस पार्टी को मित्रों बताना मुझे मौका दिया था या नहीं दिया था? जरा जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? अव्यवस्था अस्थिरता और अराजकता के सिवा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया। दिगंबर कामत हमारे यहां से ही वहां गए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगले 5 साल में आपका विकास का खाका लेकर आइए, आप गोवा के लिए क्या करोगे? मगर विकास का खाका जब लेकर आओ तब ये भी लेकर आना कि आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था। पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए आपको? जरा जोर से बोलो भैया, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? हमारा मकसद है गोवा को गोल्डन गोवा बनाना, मनोहर पर्रिकर के स्वप्न को साकार। और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केवल और केवल डबल इंजन सरकार भी ये कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए। दिगंबर कामत जी अगर मेरा भाषण सुनते हैं तो सुन ले और अपने शासन में क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को विकास देने का काम किया है, मिलने की संभावना है। और हमने विश्व स्तरीय शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए यहां के 49 इंडस्ट्री का एक संघ बनाकर इसके साथ एमओयू किया है। वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपने तरह का पहला समुद्री क्लस्टर का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है। मुंबई से काराबोलिम तक का तेजस एक्सप्रेस शुरू किया है। तुईम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास किया है। विकास के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मोदी जी ने एक स्पेशल पैकेज के तरह हमारे मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है।
गोवा टेलीकॉम इंडस्ट्री, मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक पूरी संकलित योजना बनाई, 144 टावर पूरे ग्रामीण गोवा में फैला दिए हैं, जिससे कनेक्टिविटी 95% तक पहुंचने की संभावना है। मित्रों, ब्रिक्स की 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पास यहां लाकर गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ढेर सारी फ्लेक्सिबल योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों के घर में शौचालय बनाने हो, 1.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हुआ। जल जीवन मिशन, 263,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत 1.28 लाख गरीबों के घर में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत 1,42,000 परिवारों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं बता, डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से काम करती है इसका ये उदाहरण है। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 3,000 करोड़ रुपया, ये 2,500 करोड़ से अलग है, 3,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्वेस्ट करने का निर्णय किया है, और एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। मंडोवी नदी पर अटल सेतु 4 किलोमीटर का 4 लेन का बनने का काम, केबल ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका है। न्यू जुआरी ब्रिज पर 13.64 किलोमीटर की लंबाई का 2,700 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। खंडीपार ब्रिज, गलगीबाग तलपोना ब्रिज, ये भी धारवाड़ के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पूरे कर्नाटक का व्यापार अपने गोवा के साथ शुरू हो जाएगा। मनोहर परिकर कोना कोना बाईपास हाईवे, गोवा राज्य में नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपया और दिया है। सड़क विकास के लिए 4,000 छोटी सड़कों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपया और दिया है। गोवा सीपीआर के विकास के लिए 3A प्रोजेक्ट के लिए हमने 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हुआ। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, सोनिया मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, याद है ना आपको? याद है या नहीं है? गोवा को 2013-14 के बजट के अंदर 432 करोड़ रुपया दिया था, 432 करोड़, कितना? जोर से बोले, कितना? और इस बार 2020-21 के बजट में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2,567 करोड़ रुपया देने का काम। एक खूबसूरत बच्ची के भाल पर छोटी सी एक बिंदिया लगा दो तो उसका चेहरा कितना सुंदर लगता है, इस प्रकार से भारत माँ के भाल पर गोवा एक बिंदिया, इसको हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इसको गोल्डन गोवा में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसको समृद्ध बनाना चाहते हैं, इसको सलामत बनाना चाहते हैं। मित्रों, इसलिए हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज गांवकर साहब के लिए मैं प्रचार करने आया हूँ, मेरे साथ प्रचंड ध्वनि से भारत माता की जय बोलकर, यहाँ आ जाओ गांवकर जी, यहाँ आ जाओ, प्रचंड ध्वनि से गांवकर जी के लिए दो हाथ ऊपर उठाकर भारत माँ का जयकारा लगाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे